मेरे लिए गर्व का विषय है कि उत्तर प्रदेश के पावन भूमि पे आज आप सबके समक्ष आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सभी इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आप यहां पधारे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण दिन, ये साधारण दिन नहीं, इस महत्वपूर्ण दिन में कुछ खुशियां भी लेकर आया हूं तो कुछ दुख के विषय भी आपके साथ साझा करूं। आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए है और खुशी का विषय इसलिए है क्योंकि आज उत्तर प्रदेश जो भारतवर्ष का हृदय है, उत्तर प्रदेश जो भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है, आज उस प्रदेश का 73rd फाउंडेशन डे है, स्थापना दिवस है। तो स्वाभाविक है 25 करोड़ उत्तर प्रदेश के निवासी और 135 करोड़ हिंदुस्तान के निवासियों के लिए ये गर्व का विषय है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। याद करिए 73 साल पहले किस प्रकार से एक बहुत ही आकांक्षा के साथ, एक एस्पिरेशन के साथ इस प्रदेश की स्थापना की गई। मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा, अनेकों वर्षों तक जिस प्रकार की राजनीति ने उत्तर प्रदेश को घेर कर रखा, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की छवि भारतवर्ष में एक अलग तरीके से प्रस्तुत किया जाता था। और खुशी के साथ कहना चाहूंगा 2017 के पश्चात भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नव निर्वाचित मुख्यमंत्री योगी जी, 2017 के पश्चात जिस प्रकार की राजनीति और विकास युक्त राजनीति उत्तर प्रदेश में रही, उत्तर प्रदेश आज गौरव का आभास करता है। आज उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता को मैं बधाई देता हूं कि आज उत्तर प्रदेश मोदी जी और योगी जी के डबल इंजन के सरकार के अंतर्गत एक सुरक्षित और समृद्ध प्रदेश है, एक सिक्योर प्रदेश है और एक एस्पिरेशनल स्टेट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी जिस प्रकार से 12वें स्थान से आज हम दूसरे स्थान पर आए हैं और आर्थिक परिस्थिति उत्तर प्रदेश की जिस प्रकार से बदली है और 6वें स्थान से आज दूसरे स्थान पर आए हैं, ये भी अपने आप में उत्तर प्रदेश के लिए एक बधाई का विषय है। 50 से अधिक ऐसे केंद्र योजनाएं हैं जिनमें आज उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य के रूप में काम करती है। ये दिखाता है कि 73वां स्थापना दिवस उत्तर प्रदेश का, इट्स अ माइलस्टोन एज फार एज डेवलपमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इज कंसर्न, विकास का एक महत्वपूर्ण पायदान वो छू चुका। जैसे मैंने आपको कहा, आज कुछ खुशी की बातें भी हैं तो कुछ दुख के विषय भी। जहां पूरा उत्तर प्रदेश, जहां आदरणीय मोदी जी, जहां योगी जी, आज समस्त उत्तर प्रदेश के निवासियों को, समस्त भारतवर्ष को उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस की बधाई दे रहे हैं, वहीं मैं दुख के साथ कहना चाहूंगा कि आज सुबह मैंने एक महत्वपूर्ण अखबार में पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू पढ़ा और मुझे तकलीफ हुई इस बात से कि अखिलेश यादव जी ने इंटरव्यू में कहा है, साक्षात्कार में कहा है कि पाकिस्तान भारत का असली दुश्मन नहीं है। अखिलेश यादव जी का कहना कि वो पाकिस्तान को भारत का असली दुश्मन नहीं मानते हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल वोटों की राजनीति के कारण पाकिस्तान को दुश्मन मानती है, दुखद, चिंताजनक और शर्मनाक। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती, गोलाबारी होती है और निहत्थे लोग, निर्दोष लोग पाकिस्तान द्वारा भेजे गए आतंकवादियों द्वारा मारे जाते हैं, क्या उनका जीवन जीवन नहीं? हर समय जिस प्रकार पाकिस्तान भारत के ऊपर षड्यंत्र के अंतर्गत आतंकवादी हमले करता है, क्या भारत का दुश्मन पाकिस्तान नहीं?
आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है, मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। आपने देखा जिन्ना 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 पर रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वह पहुंच गए। मीडिया के बंधु, मैं आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करता हूं, क्योंकि आप लोग हमसे सवाल पूछते हैं, पूछना भी चाहिए, आप चतुर्थ स्तंभ है। आप कहते हैं कि जब चुनाव होता है तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को खींच कर लाती है, हम नहीं लाते, हम नहीं लाते हैं। आज सुबह का आप देख लीजिए संदेश, योगी आदित्यनाथ जी का क्या संदेश है, स्थापना दिवस के अवसर पर योगी आदित्यनाथ जी का एक ही संदेश है और वो संदेश विकास है, किस प्रकार अर्थनीति आगे बढ़ी है उसका है। और आज स्थापना दिवस के अवसर पर एक ही संदेश अखिलेश यादव जी का है जो अखबार की सुर्खियां बनके छपी है कि पाकिस्तान भारत का दुश्मन नहीं है, पाकिस्तान को लेकर कौन आया, पाकिस्तान को लेकर अखिलेश आया, जिन्ना को लेकर कौन आया, जिन्ना को लेकर अखिलेश आया। ये जो चुनाव हो रहा है तुष्टिकरण के पराकाष्ठा के कारण, द हाइट्स ऑफ अपीजमेंट, उसके कारण जिस प्रकार से अखिलेश यादव जिन्ना और पाकिस्तान के विषय में बात करते हैं, मैं आज तमाम अखबारों में पढ़ रहा था, कहीं भी मैं समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों का लिस्ट नहीं देख रहा, क्या कारण है? मैं गाड़ी में आया तो वाहन चालक भाई ने मुझे बताया कि भैया यहां पर तो उम्मीदवारों की लिस्ट घोषित ना हो रही, अखिलेश भाई तो घोषित ही नहीं कर रहे। मैं क्यों, मैं सब गुंडे बदमाश है तभी ना घोषित, सब गुंडे बदमाश नाहिद हसन जैसे लोगों को अखिलेश जी ने टिकट दिया हुआ है तभी उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं होती। आज जिन्ना पाकिस्तान की बात करने वाले अखिलेश जी, मैं इतना कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी शुक्र मनाइए कि याकूब मेमन को फांसी हो गई है, वरना मैं बिल्कुल सीना ठोक के कह सकता हूं कि अखिलेश जी का बस चलता तो याकूब मेमन को भी नाहिद हसन के साथ चुनावी मैदान पे उतारते। आज सुबह से जिस प्रकार पाकिस्तान 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 का रट लगाए हुए हैं कि नहीं पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन मानती है, आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश जी, ये वही अखिलेश जी जिन्होंने आतंकवादियों के लिए कोर्ट तक में गुहार लगाया था, उनको छुड़वाने की सारी प्रक्रिया पूरी की थी, ये तो शुक्र है कोर्ट का उत्तर प्रदेश में कि न्याय प्रक्रिया ने उस पर रोक लगाई। और आज समझ में आता है कि आखिरकार पाकिस्तान को अपना असली दुश्मन अखिलेश यादव क्यों नहीं। आज लखनऊ में बैठकर भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी से एक चैलेंज करती, एक चुनौती करती, और वो चैलेंज है, अखिलेश जी यदि आप में हिम्मत है, नैतिकता है, मोरालिटी है, क्रेडिबिलिटी है, तो आप अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करें, कौन कहां से लड़ रहा है इस सूची को जारी करें। हम सब जानते हैं ये सूची जारी नहीं होगी, और क्यों नहीं होगी यह भी आप समझते हैं। मीडिया वालों ने मुझे इससे पहले बताया, आने से पहले मैं कुछ अपने मीडिया के भाइयों से बात कर रहा, उन्होंने कहा टिकट तो भाई साहब व्हाट्सएप से जा रहे हैं, व्हाट्सएप से भेजे जा रहे हैं, घोषित नहीं किए जा रहे। नाहिद हसन का घोषणा हुआ था, नतीजा पूरे हिंदुस्तान में रहा आक्रोश, और इसी कारण से उम्मीदवारों की सूची घोषित नहीं हो रही। बंधुओं, कल मैंने यह भी सुना, टीवी में देखा, मैंने अखबारों में आज पढ़ा है, अखिलेश जी ने चिट्ठी लिखा है इलेक्शन कमीशन को, वो चाहते हैं कि हमारे जो मीडिया के बंधु बैठे वो ओपिनियन पोल ना दिखाए, ओपिनियन पोल ना करें। स्वाभाविक है आज ओपिनियन पोल पे बरसे हैं, मैं आज लिख के दे रहा हूं 10 मार्च को ईवीएम पे बरसे,
आज ओपिनियन पोल खराब नजर आ रहे हैं, 10 मार्च को शाम तक बोलना शुरू कर देंगे ईवीएम खराब थे तभी हम हार गए। ना इनको जनता की ओपिनियन से मतलब है, ना इनको संस्थाओं के ईवीएम और कोर्ट से मतलब है, इनको केवल और केवल गुंडई से मतलब है और किसी विषय से मतलब नहीं। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ये जो चुनाव है ये एक्सप्रेस वे का चुनाव है। दिस इलेक्शन इज एन इलेक्शन ऑफ एक्सप्रेस वे एंड दिस अपील ऑफ माइन इज द यूथ ऑफ उत्तर प्रदेश, द एजुकेटेड डायनामिक यूथ ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज अ वर्सेस इलेक्शन, एक्सप्रेस वे ऑफ भारतीय जनता पार्टी वर्सेस द एक्सप्रेस वे ऑफ समाजवादी पार्टी। द एक्सप्रेस वे ऑफ भारतीय जनता पार्टी आर गंगा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, गुंडई एक्सप्रेस वे, रंगदारी एक्सप्रेस वे, दंगई एक्सप्रेस वे और माफिया एक्सप्रेस वे। चुनना आपको, गंगा एक्सप्रेस वे और गुंडई एक्सप्रेस वे के बीच चुनना आपको है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे और रंगदारी एक्सप्रेस वे के बीच में चुनना आपको है, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और दंगाई एक्सप्रेस वे के बीच में चुनना आपको है, गोरखपुर लिंक वे और माफिया एक्सप्रेस वे के बीच में। और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, विद्वान है, चुनेगी तो वो ज्ञान को ही, चुनेगी तो वो विकास को। बहुत बहुत धन्यवाद, कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। देखिए बड़ा स्वाभाविक, जब से आदरणीय योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने एक बात बड़े स्पष्टता के साथ रखा है कि उपद्रव नहीं चलेगा, दंगा नहीं चलेगा, चलेगा तो केवल विकास चलेगा। 80% जनता उत्तर प्रदेश में ऐसी है जो इस बात पे विश्वास करती है, मानती है कि विकास हुआ। मगर कुछ लोग तो ऐसे भी हैं ना जिनको प्रश्रय समाजवादी पार्टी का और बाकी कुछ छुटपुट पार्टियां जो हैं, जो ना 3 में ना 13 में है, समझ जाइए किस पार्टी की बात कर रहा हूं, उनका प्रश्रय मिला हुआ है। वो हर क्षण ये कोशिश करते हैं, हर पल ये कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से सौहार्द बिगड़े, किस प्रकार से अशांति फैले, किस प्रकार से यहां पर कानून की व्यवस्था बिगड़ जाए। किंतु आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, योगी आदित्यनाथ जी ने उन सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के सबक सिखाया। लगभग 2,000 करोड़ रुपए की संपत्ति इन लोगों की जब्त हुई, इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे भेजा गया है। कानून व्यवस्था के विषय में बात करते हैं, मैं सवाल पूछता हूं आज, मैं उत्तर प्रदेश का नहीं, मैं उड़ीसा का, मगर मुझे आज उत्तर प्रदेश की व्यवस्था को देख के गर्व महसूस होता है। पहले उत्तर प्रदेश में जो लोग शासन करते थे वो आज लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं क्या? ये मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, इनके नाम पे लॉ एंड ऑर्डर चलेगा? आज चाहे मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक अहमद हो, वो वही है जहां उनको होना चाहिए। एक एक देखिए, यूपी सरकार एक संवैधानिक सरकार है, वो संविधान में विश्वास करती है। इस प्रकार के लांछन तो लगाए जाते हैं उन लोगों से जिनको पता है कि उनकी वास्तविकता क्या है। मगर जी जो डर का वातावरण है माफिया के अंदर, डॉन्स के अंदर, जो माफिया और डॉन पहले उत्तर प्रदेश को अपना बपौती मानते थे, कुछ कुछ मुझे लगता है ये डर कि अगर हम लोगों के ऊपर हमला करेंगे, आक्रमण करेंगे, डर ठीक है किंतु ये लांछन ठीक नहीं। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून व्यवस्था में विश्वास रखती है, सभी के जान का हिफाजत करती है। सबसे लेंगे देखिए, हमारा स्पष्ट मानना है कि टक्कर जैसे शब्दों में भारतीय जनता पार्टी विश्वास नहीं रखती। हमारा किसी के साथ टक्कर है तो टक्कर हमारा माफियावाद से, किसी के साथ टक्कर है तो टक्कर हमारा असामाजिक तत्वों के साथ है, किसी के साथ टक्कर है तो उन तत्वों के साथ है जो विकास को आगे नहीं बढ़ाते। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विश्वास, सबका प्रयास,
ऐसी सरकार हमारी टक्कर किसी से नहीं है, न ही इस प्रकार के असामाजिक तत्व हमारे टक्कर में खड़े होने की हिम्मत करेंगे, क्योंकि जनता जनार्दन जानती है हकीकत क्या है। सर सर रवि जी, रवि जी आपसे भी सवाल लूंगा, सबसे सवाल लूंगा, वैसे मैं कहीं नहीं बोलूंगा। देखिए वैसे तो ये उत्तर प्रदेश का विषय नहीं है, मगर फिर भी एक महत्वपूर्ण सवाल तो है, मैं इसका जवाब देता। बड़ा दुखद विषय है, कल जब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का जयंती मना रही थी पूरा देश, हम सब ने, आज वो हमारे साथ नहीं, मगर फिर भी हम सब ने उनके लिए कामना की थी, उनके लिए प्रार्थना की थी। उस समय उनके पिता, खुद के पिता के निर्णय के ऊपर इस प्रकार का संदेह उठाना, उसे प्रश्नों के घेरे में खड़े करके, कहीं ना कहीं उद्धव जी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला नहीं किया, उन्होंने हमला अपने पिता के निर्णय पर किया है, और इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता तो देगी, किंतु उत्तर प्रदेश में भी लोग आज जानते हैं कि तुष्टिकरण की राजनीति के कारण चाहे उद्धव जी हो चाहे अखिलेश जी हो किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं और उसका अंजाम क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश की जनता भी समझती है। देखिए माफियावाद के विषय में, गुंडागर्दी के विषय में, दंगाओं के विषय में समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश जी को किसी विषय में बात करने का अधिकार नहीं। जिस प्रकार में उत्तर प्रदेश में माफियावाद उन्होंने फैलाया हुआ था, जिस प्रकार की स्थिति उत्तर प्रदेश में उन्होंने बनाया हुआ था, आज वो उस विषय पे प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, केवल और केवल प्रायश्चित कर सकते हैं।